हेलो गाइस, माय नेम इज तमन्ना और योगा ज्वाइन करे हुए मुझे 1 महीना हुआ है। पर योगा में फर्स्ट डे जाने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि उधर कंटिन्यू जाना ही है और उधर की आदत हो जाती है, और ये आदत ऐसी है भी नहीं कि बुरी है, तो आप जा सकते हो उधर। योगा में जाने के बहुत सारे फायदे, और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि स्टडीज में बहुत अच्छा ध्यान जाता है, हर चीज में कॉन्सेंट्रेट लगता है। तो मेरे जैसे एज वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को योगा जाना चाहिए, और उन लोगों का योगा करने का जो स्टाइल है, उनका जो योगा में नॉलेज है, वो नॉलेज इतना अच्छा है कि आप वो जाओगे उधर तो ऐसा लगेगा उन लोगों से जितना नॉलेज हो सकता है उतना गेन कर ले। आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देंगे, आपके साथ भी रहेंगे, और हर चीज वो एकदम परफेक्ट तरीके से सिखाते हैं। ज्यादा एज वाले जो लोग होते हैं उनको तो योगा ऑब्वियसली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ऐसा होता है, मोस्ट ऑफली मैंने देखा है कि जैसे लोग चल नहीं पाते या उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो योगा जाने का फायदा ये है कि उधर जाके उन लोगों को वो सब प्रॉब्लम्स हट जाते हैं, वो एकदम ऐसे नॉर्मल ह्यूमन जैसा होता है ना, जो नॉर्मल यंग पीपल होते हैं वो जैसे चलते हैं ना, वो लोग वैसे ही चलते हैं। और हम जैसे लोगों को तो खास करके जाना चाहिए, क्योंकि आजकल वीडियो गेम्स और गेम्स के जैसे सब घर में ही बैठे रहते हैं, नीचे कोई खेलने जाता है नहीं। एकेडमी के लिए तो सबसे पहले तो थैंक यू कि वो लोग इतने सारे तरीकों से, वो जैसे डांस है, म्यूजिक है, योगा है, मोस्ट ऑफ तो एडवांस में जितनी सारी एक्टिविटीज है सब मैंने ज्वाइन कर ही लिए। पहले डांस किया था, हमने म्यूजिक, और अब योगा। पर उधर जाओ, उधर जो सिखाने के जो टीचर्स है, टीचर्स इतने फ्रेंडली रहते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल है। आप जाओ तो आपको अच्छा लगेगा उधर, कुछ कोई भी आप फील्ड में जाओ, म्यूजिक में जाओ, डांस में जाओ या योगा में जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमको आगे और सीखना है, और आपका उस चीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसलिए एडवांस डांस एकेडमी मुझे तो बहुत पसंद है। मेरा नाम दीपिका भुर्रा है, मैंने योगा 2.5 साल से ज्वाइन किया हुआ है। मुझे बीपी का प्रॉब्लम था और भी दूसरी भी परेशानियां होती थी कि मैं ज्यादा वर्क करती थी ना तो बहुत थकान हो जाती थी, पर जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, जब से मेरा बीपी का प्रॉब्लम, बाकी जो वर्कआउट करती हूँ दूसरे घर में कि किसी भी काम को मैं लगातार कर सकती हूँ, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है और बीपी भी मेरा नॉर्मल रहे। मैम और सर तो बिल्कुल समझो एक माँ बाप के जैसे हैं, माँ बाप बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं, इसी तरीके से उनका भी वही मतलब हमारे प्रति वही व्यवहार है कि बेटा तुम इस तरीके से करो, मतलब हमेशा वो हमें अच्छी सीख देते हैं कि इस तरीके से ये योगा करना चाहिए या ये करना चाहिए, योगा करने के वो बेनिफिट बताते हैं। योगा ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि हमको घर में कभी कोई परेशानी हुई या पेट दर्द हुआ या कुछ भी हुआ, तो उस चीज का भी सॉल्यूशन हमें मिल जाता है वहाँ पे। एडवांस एकेडमी जो हमें ये सर्विस दे रहा है उसके लिए तो पहले धन्यवाद, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं उस जगह पे ये सारी फैसिलिटी होना इतना नॉर्मल बात नहीं होती है कि हमें योगा भी, डांस भी, म्यूजिक भी, कि यहाँ पे इजीली इतना पास है कि हम वहाँ पे आ जा सकते हैं घर के वर्क को करते हुए भी। जो लोग योगा नहीं करते हैं उनके लिए तो पहला कि सबसे पहले वो योगा करने जाएं, क्योंकि योगा करने से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। योगा में जाने, अगर जाना है आपको, अगर आपको कुछ रीजन चाहिए, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल जैसे कैंसर वगैरह है, तो आप योगा में जाओगे तो 100% गारंटी मैम दे चुके ऑलरेडी कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो बिना दवाई या बिना कुछ एक्स्ट्रा करे योगा से ही सब हो सकता है, क्योंकि मैम को भी ऐसा पहले था और वो मैम ने वो सब देख लिया है, इसलिए वो उनके स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रीट करते कि उन लोगों को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना है। योगा में मैम और सर हम लोगों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं वैसे और कोई नहीं करता। बाकी और क्लासेस है, पर उधर आप जाओ तो वो सिर्फ आपको करके बताएंगे कि ऐसा करना है, पर इधर जाओ तो मैम और सर तो जब तक वो आसन यानी वो एक्सरसाइज हो नहीं जाती जब तक फिर वो आपके पीछे पड़ी जाते, और वो आप जब तक आप परफेक्ट उसमें हो नहीं जाते वो जब तक आपको करवाते, और ऐसा कुछ फोर्स भी नहीं है कि नहीं आपको जबरदस्ती करना है, अगर आप मना करें तो वो दूसरी एक्सरसाइज भी दे देते। वैसे तो वो लोग बहुत नॉलेजेबल है पर फ्रेंडली भी बहुत है, और उनके साथ योगा करने में जो मजा आता है वो और कहीं शायद नहीं आ सकता है। थैंक यू। जितनी भी हाउसवाइफ होती है उनके लिए योगा करना बहुत अच्छा है। हाउसवाइफ की हमेशा सोच ही होती है कि हमको बाहर नहीं निकलना है, घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन करना, पर इससे हटके भी कुछ एक लाइफ है जो हमें योगा से मिलती है। बस इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हर गृहिणी जो हाउसवाइफ है उसको योगा करना ही चाहिए, क्योंकि योगा करने से वो वैसे तो घर को संभालती ही है, मगर यदि योगा करती है तो वो उससे और अच्छे तरीके से वो अपने घर को, अपने परिवार को संभाल सकती है, और यदि गृहिणी अच्छी होगी तो अपना परिवार और समाज दोनों ही अच्छा होगा। धन्यवाद।